दुनिया के जो शायर इंसान को ये दे पाए, मैं लवलीन को उन्हीं में गिनती हूँ। इसलिए बहुत सा प्यार और मुबारक उसे पेश करती। उस दिन लवलीन ने करुण और कुंती की चीख को पहचान कर और खुदा की शराब के प्याले में एक कड़वा खून पीते हुए कहा था, समाज के पुरोहित हाथ फैलाकर जो कुछ देते हैं वो खराब हो सकता है। इखलाक मैं खराब नहीं ले सकता, मुझे उस जमीन का इखलाक चाहिए जिसमें कोई फूल पनप सके। आज की शाम बहुत ही खूबसूरत शाम रही और आपने हमें रियलिटी के साथ जोड़ा। एक के बाद एक चीज़ जो आपने दिखाई, करवटें, जीत और उसके बाद यू बी द स्काई और उसके बाद आपकी कविताएं, तो इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। ऐसे लोगों की भगवान करे तादाद और भी बढ़े और मुल्क को फ़ायदा हो, समाज का भला हो। तो मैं इन शब्दों से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ। लवलीन जी, मैं तो यही कहूँगी कि भगवान करे इनको नज़र ना लगे किसी की, तो अपना ये काम करती रहें और सितारे की तरह चमकती रहें। She's a personality with a rare combination of charm, grace, sensitivity, ability and humility. Producer and director of several feature film programs on All India Radio, Doordarshan and other television channels. Some of her documentary films have been screened at the prestigious Cannes and international film festivals. All of us want to break free of shackles, whether made of hard iron or of distressing thoughts. Each one of us is looking for peace and happiness, even if life may have worn us out. Located in New Delhi, Tihar remains the largest prison in Asia and one of the largest in the world. In Tihar, a human being could forget he was once human. Wrinkled with grief and hopelessness, isolated and helpless, scared and forlorn, they all await their freedom. I told Lavaleen, a minute break. I feel proud of her. I think this film is an education. It tells us the best in us is buried in us. We have to bring it out. May I compliment you, Lavaleen, once again? Thank you. मेरे पास इसकी तारीफ करने के लिए कोई शब्द नहीं है। जिस तरह से एक एक डायलॉग, जिस तरह से वो पूरी पटकथा बुनी गई, जिस तरह से उसका एक एक एक्सप्रेशन, जिस तरह से उसका डायरेक्शन, जो बैकग्राउंड, एक एक चीज़ का की अगर समीक्षा करें तो ये फिल्म लाजवाब और ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। बड़ी शर्म की बात है कि आज भी सती प्रथा जिंदा है और जिंदा औरतों को जला दिया जाता है। जितनी कुरीतियाँ हमारे समाज में हैं उनमें एक सती प्रथा भी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी फिल्म के थ्रू उसको ख़त्म करने की। हम आज इस मकाम पे पहुंचे हैं कि जहां डॉक्टर लवलीन थडारी ने अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। कम से कम राष्ट्रीय रिकॉर्ड तो आज टूटता है, क्योंकि अब तक 60 सालों के अंदर किसी भी एक महिला की 16 फिल्मों का 4 दिन का फिल्म फेस्टिवल भारत में नहीं हुआ है।
In almost 10 states of modern rural India, you find innocent women being victimized as witches and killed. Ojha, bata Budhram dada ko kisne mara? Us Dayan ka pata bata. Bata! Jaldi pata bata. Sad that in this century these kind of things are still happening in our villages. It is something that we should all be ashamed of. So I congratulate Lavleen on this marvelous effort. इस फिल्म को देखने के तुरंत बाद कुछ बोलना बहुत कठिन है. मुझे पता नहीं मैं कल की फ्लाइट कैसे ले सकूंगी. इस फिल्म ने मुझे अंतर्मुख होने को मजबूर कर दिया. तुमने झकझोर कर दिया इस फिल्म से. ऐसी अच्छी फिल्म मैंने आज तक कभी नहीं देखी. श्यामलाल, बिरजू, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा दोनों का गोत्र एक है? इस शादी को हम नहीं मानते. ये क्या कह रहे हैं सरपंच जी? यही पंचायत का फैसला है. सरपंच जी, मैं नहीं मानती. हमारी शादी को 18 महीने हो गए हैं. रामपाल मेरे पति हैं और पति ही रहेंगे. बदतमीज लड़की, तू जा यहाँ से. We bring you the lives of three uniquely brave and sensitive women. Women who dared to ask themselves the question, why can't I? इतनी खूबसूरत फिल्में उन्होंने दिखाई कि हम लोगों को देखने के बाद लग रहा था ये बंद क्यों हो गई, ये चलती रहनी चाहिए. थैंक यू सो मच. डॉक्टर लवलीन थडानी ने अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपने पैशन को, मैं तो कहता हूँ फिल्म मेकिंग इज अ पैशन फर्स्ट, अपने पैशन को इस खूबसूरती से निभाया है. जहां तक सब्जेक्ट की बात है, बहुत बढ़िया रहे. 1958 witnessed a one-man, one-truck, one-office setup being established in Kolkata by late Mr. P.D. Agarwal. I am a TCI truck, a symbol of good luck. No load is too heavy for me, goods I carry tenderly. Love my India through hills and plains, through steaming deserts and pouring rain. सुहेल, चाय.
गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब. गुड मॉर्निंग. थैंक्स. क्या है भाई आज की ताजा खबर? आज की ताजा खबर तो मैं आपको सुनाऊंगी. क्या? सुहेल रावत नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि बहुत अच्छे लेखक हैं. वो एक गायनेकोलॉजिस्ट से प्यार करते हैं और उनके घर 8 महीने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चा आने वाला है. Really? Really? I don't believe this. You got to believe it. आपके जन्मदिन पर ही मैं उसको डिलीवर करूंगी ऑन 19th of September. अरे मेरे बर्थडे पर इससे बेहतर तोहफा और हो ही नहीं सकता. Whenever I looked at you, I discovered myself. Whenever I looked at you, I discovered myself. In the darkness of my woods, I saw brilliant leaves green. They were you. I saw little red chirping birds. They too were you. Glimpses of translucent sky blue and the rainbow radiant, again you. But when my gaze met the moist earth beneath, I saw crumpled, rotten leaves that ached under my feet. They were the other end of your being, which was me. Through your vibrancy, I discovered my sinking beat. Through your love, my fading smile. Through your promise, my lost tear. Through your song, my last whimper. That's how through you I reached myself. Thank you very much. जब बूंद सागर में समा जाती है तो वो अपने को सागर ही समझने लगती है. जब बूंद सागर में समा जाती है तो वो अपने को सागर ही समझने लगती है. बूंद होने का एहसास तो उसे तब होता है जब वो विस्तार से अलग हो जाती है. कविता लिखना अलग बात है लेकिन कविता को जीना बहुत बड़ी बात होती है. 1000 कविताएं आंसुओं पर लिखी जाए वो बहुत छोटी पड़ जाती हैं बनिस्पत उसके कि आप किसी एक के आंसू पहुंचते हैं. लवलीन ने जिस माध्यमों से हर तकलीफ को आज की तारीख में घटती हुई हर बातों को उठाया मैं उसके लिए उसे बधाई देना चाहता हूँ. मैं आप सबकी तरफ से और पैनल की तरफ से लवलीन जी को दो अपना एक मतला भेंट करूंगा, दो पंक्तियां जरूर भेंट करूंगा. वो यूं है कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए.